गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दिया था और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डबल साइड से किस तरह से अलग है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने बताया था ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक सेंटर मेटल एटम हो और उसके चारों तरफ डिफरेंट लिगेंड्स हों जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल एटम को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा सेंटर मेटल एटम से अटैच है। उसके बाद क्या कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या हैं, लिगेंड्स के बारे में कुछ स्पेशल टर्म्स जो हम इस चैप्टर में ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। तो कुछ टर्म्स मैंने सेंटर मेटल एटम के बारे में बताया था आपको, ऐसा एटम या आयंस जो कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, मीन्स लुइस एसिड नेचर का हो। जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सेंटर मेटल एटम की तरह एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनमें डी सबशेल होती है। ठीक है, दूसरा टॉपिक था लिगेंड्स। लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो सेंटर मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मीन्स लिगेंड्स का नेम होते हैं लुइस बेस, दे आर कॉल्ड लुइस बेस कहलाते हैं। कई टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी।
कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या कहलाती है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिस ब्रैकेट पे बंद होता है चैप्टर ब्रैकेट में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे सी ओ यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड्स हैं एन एस पी, ये भी लिगेंड है, तो इट मीन्स इस पूरी एंटाइटी को जिसमें कोऑर्डिनेट जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स आ रहे हैं उसकी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे एफ ई सी एल सिक्स फोर माइनस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इट कॉन्स्टिट्यूट एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन लिगेंड्स। ठीक है, ऐसा स्फीयर, ऐसी एंटाइटी, ऐसी यूनिट जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम भी हो और लिगेंड्स भी, चाहे एक टाइप के लिगेंड्स हो या डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स, देखिए उस कैपिटल ब्रैकेट में एनक्लोज्ड उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली जितने लिगेंड्स अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम से, चाहे एक टाइप के चाहे एक टाइप के, जैसे यहाँ पे दिखाया सी ने एन एस पी और सी एफ पी दोनों लिगेंड्स है, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ सिक्स, थ्री एन एस पी और थ्री सी एफ, तो इसका कितना हुआ सिक्स, क्योंकि सिक्स सी एन अटैच है। ऐसे यहाँ पे कर दिया सी ओ एन एस पी होल सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सी ओ का कितना हुआ सिक्स, एफ ई सी एन सिक्स फोर, एफ ई सी एन सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ सिक्स। यानी इस चार्ज से मतलब नहीं है जो ऊपर है, सिर्फ ये देखना है कितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, सिक्स लिगेंड्स अटैच है तो सिक्स हो गया, इधर भी सिक्स अटैच है, इधर थ्री है, तब भी हमने सीखे क्योंकि ऑक्सीजेट का फॉर्मूला था सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ, तो इट मींस दो है, एक के लिए हम टू यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्स आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हम निकालते हैं लिगेंड की हेल्प से, लिगेंड पर चार्ज की हेल्प से और पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर पर चार्ज के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार्ज की हेल्प से, यानी जितने लिगेंड्स लगे हुए हैं और उन पर चार्ज और पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज उसकी हेल्प। जैसे एफ ई सी एन सिक्स माइनस फोर लिखता है, तो एक्स एफ ई के लिए एक्स, सी एन पर माइनस वन चार्ज होता है, तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर कहाँ से आया एक्स, माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू। ओके, नेक्स्ट में सी ओ एन एस थ्री होल सिक्स थ्री प्लस, तो एन एस थ्री पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हमने लिख दिया जीरो, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू प्लस थ्री, ये चार्जेस हमने इक्वल टू लिख दिया एक्स इज इक्वल टू थ्री। सी यू सी एन फोर माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री। ओके, नेक्स्ट है होमोलैक्टिक एंड हेटरोलैक्टिक लिगेंड्स, एक टाइप के लिगेंड्स लगे हुए कॉम्प्लेक्स में तो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगे हुए जैसे एन एस थ्री लिगेंड है, सीएल टू लिगेंड्स है, तो क्या कहलाता है हेटरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स से हेटरोलैक्टिक लैक्टिक लिगेंड्स कहलाते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट द सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ टर्म्स अभी रह गए हैं वो अपने आप करेंगे, जैसे पॉलीहेड्रॉन टेट्राहेड्रॉन के बारे में उसमें आता है तो उसको अपने आप डिस्कस करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आईयूपीएसी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एफसीएनसिक्स है तो उसका किस तरीके से नाम लिखेंगे, क्या रूल्स है डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस का नेम लिखने में क्या क्या रूल्स डिसाइड किए गए हैं और किस तरीके से उसका नाम लिखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।